सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय से विशाल चौधरी, आप देख रहे हैं जाट टेक सेटअप चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो हम करने वाले एक पीसी बिल्ड जिसका बजट करीब करीब 30,000 के आसपास होने वाला है। इसमें हमने कुछ सेकंड पार्ट्स और ज़्यादातर नए पार्ट्स का हमने यूज़ करा है इस पीसी बिल्ड को करने के अंदर, क्योंकि अगर आप सारे नए पार्ट्स लेने जाओगे तो ये पार्ट्स थोड़े से पुराने हैं और इनका प्राइस थोड़ा सा आपको हाई मिलेगा। अगर आप आज के हिसाब से भी देखोगे तो इसकी वैल्यू को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो हमने इनको कुछ पार्ट्स को सेकंड हैंड बाय किया है, पर आप टेंशन ना लीजिए। सेकंड पार्ट्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको कहीं से लेने हैं तो वो आपको दिक्कत नहीं होगी लेने में। जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप बाय कर सकते हो सेकंड हैंड, और आपको नहीं करना तो मैं नए का भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सो गाइस, आज का जो पीसी है वो आपको पता है जिसका बजट हमारा 30,000 के आसपास है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा बजट थोड़ा सा कम है तो हम थोड़े सेकंड हैंड प्राइस की तरफ जाते हैं, मतलब सेकंड हैंड पार्ट्स हम यूज़ करेंगे अपने पीसी के अंदर। तो मैं जो पार्ट्स यूज़ करें वो ऐसे पार्ट्स हैं जो कम ही खराब होते हैं, बहुत ही कम चांसेज होते हैं, रेयर चांसेज है कि वो खराब हों। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा प्रोसेसर है, प्रोसेसर के लिए मैंने लिया इसमें राइजन 3 1200, जो आप कह सकते हो थोड़ा पुराना प्रोसेसर आपको लग सकता है, मतलब राइजन की सीरीज का पहला या दूसरा प्रोसेसर ही होगा ये, ज़्यादा नया प्रोसेसर नहीं है क्योंकि तो फिफ्थ जनरेशन भी आ चुकी है राइजन की, बट हम यूज़ कर रहे हैं अभी उसकी फर्स्ट जनरेशन का ही प्रोसेसर। बट ये प्रोसेसर भी आज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, अगर आप i3 थर्ड या फोर्थ से करोगे कंपैरिजन तो उनको तो ये चुटकियों में हरा सकता है। तो अगर आप इसे सेकंड हैंड बाय करने जाते हो तो आपको OLX पे आराम से ही बहुत ही आराम से मिल जाएगा, मतलब इतने ज़्यादा इसके सेलर्स हैं, मैंने खुद देखे। तो मैंने OLX पर सर्च करा तो आराम से आपको 4 या 5 तो मेरे को ऐसे ही मिल गए देखने में, जिनके प्राइस उन्होंने थोड़ा हाई डाला था बट वो कम में बेचने को तैयार हो गए थे। तो मैं सबसे कम जिसका करा पाया हुआ 2900, बट वो बंदा फिर बाद में उससे कुछ हुआ, वो नहीं दिया उसने मेरे को प्रोसेसर। बट आपको अगर आप करते हो तो आपको 3200 से लेकर 3300 के अंदर आराम से प्रोसेसर मिल जाएगा सेकंड हैंड, काफ़ी अच्छी कंडीशन में, विद बॉक्स और जो भी इसका स्टॉक कूलर वगैरह होता है सबके साथ। तो ये हो गया हमारा प्रोसेसर के ऊपर। अब प्रोसेसर की थोड़ी स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस प्रोसेसर में 4 कोर हैं, 4 थ्रेड हैं, जैसे आपके इंटेल के प्रोसेसर्स में आते हैं i5 में। और इसमें जो बेस क्लॉक है वो 3.1 GHz और इसकी जो बूस्ट क्लॉक है वो 3.4 GHz। और मैंने इस प्रोसेसर को देखा कि इसको लोग ओवरक्लॉक करते हैं करीब करीब 4 GHz तक भी, मानो 4 GHz तक भी जा सकते हो इस प्रोसेसर पर, जो काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड होती है इस प्रोसेसर के लिए। तो आप इससे काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाल सकते हो और आपके जो भी FPS गेम है, जो भी CPU डिमांडिंग गेम्स हैं, उनसे आप काफ़ी अच्छा आउटपुट ले सकते हो FPS के मामले में। और वहीं बात कर लेते हैं कैश मेमोरी की, तो इसमें आपको 8 MB की कैश मेमोरी मिल जाएगी और ये प्रोसेसर अनलॉक्ड है, जैसे मैंने आपको बताया, आप इसे ओवरक्लॉक कर सकते हो और भी ज़्यादा। तो बढ़ लेते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो गाइस, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा एक A320 मदरबोर्ड, जो आपको आराम से अमेज़न पर नया मिल जाएगा 3700 से 3800 के अंदर, आराम से कोई भी जाओगे तो आपको 3700 में कोई भी दे देगा, अगर आप कोई लोकल शॉप पे भी जाते हो। क्योंकि A320 मदरबोर्ड का थोड़ा यही सीन है कि वो नए प्रोसेसर्स को ज़्यादा अच्छे सपोर्ट नहीं कर पाता, बट हाँ पुराने प्रोसेसर के लिए सफिशियंट है। आप उसके VRAM पे थोड़ा सा ओवरक्लॉकिंग भी कर सकते हो और आराम से गेमिंग तो आप कर ही सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप थोड़ा सा बजट आप बढ़ा सकते हो तो आप एक B450M मदरबोर्ड तो लो। एक रेफरेंस के लिए चाहिए तो मैं बता सकता हूँ, ASRock का B450M स्टील लेजेंड ले लो, जो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, जिसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, मतलब 6-7 हज़ार के अंदर आपको ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर मिल जाएगा। तो आप उसे लो इस A320 के बजाय, क्योंकि अगर आप इसे बाय करते हो तो आपका अपग्रेड पाथ बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। आप जस्ट BIOS अपग्रेड करके Ryzen 5 5600 पे भी कर सकते हो, या Ryzen 720 700 या Ryzen 5 3600, आप कोई भी प्रोसेसर में लगा सकते हो, बस BIOS अपग्रेड करना है आपको। वहीं आप A320 मदरबोर्ड में देखो तो आपको थोड़ा सा सपोर्टिंग में दिक्कत मिलेगी, आपको ज़्यादा हाई प्रोसेसर लगाओगे तो आप उसमें ओवरक्लॉकिंग नहीं कर पाओगे, और थोड़े 5th जनरेशन के प्रोसेसर के साथ तो आपको लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपको प्रोसेसर इतना महंगा है और मदरबोर्ड इतना सस्ता लगाओगे तो कोई इसका मतलब रह नहीं जाता। तो बढ़ लेते हैं मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो रैम के लिए मैंने यूज़ करी इसमें 8 GB की DDR4 XPG की, जो आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगी 3300 की नई। तो ये पार्ट्स हमारे नए हैं, बस हमारा अभी तक प्रोसेसर जो है वो हमारा पुराना था, बाकी सारे पार्ट्स हम अभी तक नए यूज़ कर रहे हैं। जो ये रैम है इसकी फ्रीक्वेंसी है 3000 MHz, जो आपकी थोड़ी डीक्लॉक हो जाएगी क्योंकि आपका प्रोसेसर पुराना है। बट अगर आप कोई फ्यूचर में प्रोसेसर अपग्रेड करते हो, जैसे राइजन 5 2600 या राइजन 3 3100, तो अगर आप इस पर अपग्रेड करते हो तो आपकी फुल मेमोरी पर चल पाएगा। तो इसलिए मैंने इस रैम को चूज़ किया इस बिल्ड के। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारी SSD, जो आपके PC की, मतलब एक तरीके से आपको PC को सबसे ज़्यादा फास्ट बनाती है। और ये एक ऐसा पार्ट है, अगर आपका PC काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है बट आपने ये पार्ट नहीं लगाया तो आपको PC बहुत ज़्यादा स्लो लगेगा, और कोई भी आपका PC देखेगा तो कहेगा कितना स्लो सा PC है। तो इसको हम ऐड करते हैं। तो इसमें मैंने करी है क्रूशियल की 240 GB की SSD, जो हमें पड़ी है अमेज़ॉन से नई 3100 की, और ये सेल पे कभी कभार 3000 की भी आपको आराम से मिल जाएगी।
और जो मेन स्टोरेज के लिए हमने लिया है वो हमारी एच डी डी 1 TB की डब्ल्यू डी ब्लू जो हमें मिली है 3500 की। तो इसे भी मैंने ऐड किया जिसमें आप अपने गेम्स या आपकी जो भी फाइल्स वगैरह उसको स्टोर कर सको, जो भी आपकी साइज में ज़्यादा है, क्योंकि आप सारी चीज़ें अपनी एस एस डी में डाल नहीं सकते, एस एस डी फुल हो जाएगी। तो एच डी डी भी इसमें लगानी ज़रूरी है अगर आपको गेम्स खेलने हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो इसका मेन पार्ट है जो आपके पीसी को पावर ऑन करेगा वो हमारा पीएसयू, जिसके लिए मैंने यूज़ करा है एनटेक का VP450 जिसका प्राइस है 2575 रुपीज़। ये आपको 2500 में आराम से मिल जाएगा किसी भी लोकल शॉप पे, अगर आप नेहरू प्लेस वगैरह के आसपास रहते हो तो फिर तो आपको और भी कम मिल जाएगा, करने फिर 2300 में भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं अभी कुछ टाइम पहले नेहरू प्लेस गया था तो वहाँ मुझे 2300 का भी मिल गया था, बट मैंने उसे बाय नहीं किया क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो इसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप बाय कर सकते हो, और जो सारे पार्ट्स इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो वहाँ से जाकर क्लिक करके इनको कर सकते हो बाय। तो आपका पीसी हो चुका है रेडी लगभग, अगर आप पीसी ऑन करोगे तो ऑन नहीं होगा क्योंकि डिस्प्ले शो नहीं करेगा, क्योंकि आपका राइजन 3 1200 है, ये एक सीपीयू है, ये एपीयू नहीं है, इसमें आपको इनबिल्ट आईजीपीयू नहीं देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा ग्राफिक कार्ड, जो गेमिंग पीसी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपने ये नहीं लगाया तो आपके गेम्स चलेंगे ही नहीं, आप भूल जाओ कि आपके गेम्स होने वाले हैं, अदर देन आपके पास एक एपीयू है, क्योंकि एपीयू में थोड़ा आपको इनबिल्ट जीपीयू मिल जाता है, बट अगर आपके पास एक सीपीयू है तो आपको उसमें ग्राफिक कार्ड लगाना ज़रूरी ही ज़रूरी है। तो ग्राफिक कार्ड के लिए जो हमने चूज़ करा है वो हमारा RX 570, जो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छा ग्राफिक कार्ड है, AMD की तरफ से आता है, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीमिंग में हेल्प कर देगा, मतलब काफ़ी अच्छा, आपको स्ट्रीम करना है, आपको एडिटिंग करनी है, गेमिंग करनी है, सब में आपको बहुत ही अच्छे FPS निकाल के देगा। और हमारे प्रोसेसर के साथ थोड़ा बॉटलनेक है क्योंकि प्रोसेसर पुराना है, बट अगर आप अपग्रेड पाथ के हिसाब से बनाते हो पीसी को तो आप तो इस जीपीयू को आप काफ़ी टाइम तक चला सकते हो, करीब 3 या 4 साल आपका आराम से जीपीयू चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब आपके पीसी के सारे कंपोनेंट्स हमारे रेडी हो चुके हैं, मतलब आपके सारे पार्ट्स जो भी आपको लगने हैं वो आपके मिल चुके हैं आपको, और आपके पास है कैबिनेट। अब एक कैबिनेट जिसमें आपको सारे पार्ट्स अपने प्लग करने हैं, तो कैबिनेट के लिए मैंने चूज़ करा है एक चिप्ट्रॉनिक्स की तरफ से MX4, क्योंकि MX4 की वीडियो मैंने लास्ट बनाई थी और मुझे MX4 लिटरली काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसका जो अंदर का डिज़ाइन है, उसमें जो लिखा हुआ है सामने चिप्ट्रॉनिक्स, वो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो मेरी पर्सनल फेवरेट है चिप्ट्रॉनिक्स MX4, बाकी आप MX2 MX1 पे भी जा सकते हो, लास्ट वीडियो देखनी है आपको कि उनका रिव्यू कैसा है, तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके आप वाली वीडियो भी देख सकते हो। तो इस कैबिनेट का जो प्राइस है वो है 2400 के आसपास, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है, तो इसका प्राइस 2500 हो जाए, कभी इसका प्राइस 2000 तक भी हो जाता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा बेस्ट डील आपके लिए कब आ रही है, तो आप इसे तब बाय करना। तो गैस हमारा पीसी अब हो चुका है रेडी, आपके सारे कंपोनेंट्स हो चुके हैं बाय, जो टोटल प्राइस हमारा हो गया है वो हमारा है करीब करीब 30,000 31,000 के आसपास आपका पूरा बजट जाता है, पर कहीं अगर आप लोकल शॉप से पीसी बनवाते हो तो आपको 30,000 में भी आराम से ये पीसी पड़ जाएगा। तो चलिए इस पीसी की बेंचमार्किंग शुरू कर देते हैं, देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं गेमिंग के अंदर। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बेंचमार्किंग को। You want me to be feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, put under the pressure of walking you.